बिलारी प्रजापति समाज द्वारा ग्रीन वैली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टॉपर बच्चों को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया। उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री और पिछड़ा वर्ग भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनोद आर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि प्रजापति समाज के लिए जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। उन्होंने सभी से भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। ये भी जानकारी दी कि यूपी सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है। इसके अलावा ओम प्रकाश गौला को अमरोहा जिले का अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने प्रजापति समाज को सम्मान दिया है। उन्होंने बच्चों को शिक्षित बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बिना शिक्षा के हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए सभी बच्चों को खासकर लड़कियों को उच्च शिक्षा अवश्य दिलाएं। उन्होंने प्रजापति समाज के 40 से अधिक बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का आरम्भ भगवान दक्ष प्रजापति और माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर राजेश प्रजापति, डॉक्टर जितेंद्र कुमार अध्यक्ष, जगदीश प्रजापति, के आर्य, नुमान जमाल, रणवीर सिंह यादव ने विचार व्यक्त किए। अंत में राजेश प्रजापति ने सभी का आभार व्यक्त किया। साथियों, निश्चित रूप से एक बात तो है, अभी मुझसे पूर्व के एक वक्ता कह रहे थे कि हम इकट्ठी ताकत हमारी अभी पार्टियों को नहीं दिखाई दे रही है। मैं 1995 से मास्टर ओम प्रकाश गोला जी से परिचित हूँ। उस समय एक मुहिम चली थी प्रजापति समाज को इकट्ठा करने की, लेकिन एक दो पार्टियों ने हमारे इस समाज को इस्तेमाल किया, दिया कुछ नहीं। कारण सिर्फ यही था कि हम छीनना नहीं जानते, हम अपनी बात दमदार तरीके से नहीं रखना जानते, और जाति बिरादरी जितनी है, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और लोग अपना हक छीनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। एक समय था मनुवाद के विरोध में, मैं चूंकि अभी अभी बिल्कुल लिंक से उतरा हूँ, लेकिन कार्यक्रम का सूचना मुझे आ रहा हूँ। मैं बधाई देना चाहूंगा उन बच्चों को, आज जिनके सम्मान के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारे समाज का नाम ऊंचा करें, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा।